आज मंगलवार और सबका स्वागत 6 जुलाई सर्वप्रथम प्रभुपाद जी का शिक्षामृत। ये हृदयनंद को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था 6 तारीख को 1971 को। और आज याद रखो, आज योगिनी एकादशी का व्रत भी है। सभी ने व्रत रखना है, खूब भजन करना भगवान का, भगवान के चरणों में ध्यान रखना और भक्ति पथ में वृद्धि करना। दीक्षा के समय गुरु आध्यात्मिक पिता बन जाता है और गायत्री मंत्र आध्यात्मिक माता, और इस प्रकार शिष्य का दूसरा जन्म होता है। ये हृदयनंद एक हमारे गुरु भाई हैं, उनको प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा है। तो दीक्षा की बात कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, जब दीक्षा गुरु शिष्य को देता है तो वो शिष्य का आध्यात्मिक पिता बन जाता है। और फिर जब गायत्री मंत्र गुरु महाराज से गुरु से मिलता है, गायत्री मंत्र आध्यात्मिक माता, और इस प्रकार शिष्य का दूसरा जन्म होता है। एक जन्म तो माता पिता से होता है सबका, लेकिन भाग्यशाली जीव का दूसरा जन्म होता है, जिन्हें गुरुदेव मिलते हैं और जो गुरु आज्ञा में रहकर तपस्या करके अपने मलिन मन की शुद्धि करके आध्यात्मिक वृद्धि करते हैं। ये याद रखो, मृत्यु के पथ पर हम सबकी वृद्धि हो रही है, हमारे पापों के कारण, हमारे दुष्कर्मों के कारण हमें उसका ध्यान नहीं है। बातें क्यों कर रहे हो पीछे? कौन हो तुम दोनों माताएं? अलग अलग बात उठो, बाहर से चलो तो साइड में। वहां बातें क्यों कर रहे हो? ये बातें करने की जगह है? तो माता पिता हर जन्म में मिलेंगे, लेकिन गुरु कृष्ण मनुष्य जन्म में। ये याद रखो कि मनुष्य जन्म केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए हुआ है। और पहले तो ये था कि लोग भाग्यहीन इतने हैं, उनको अच्छे गुरु नहीं मिलते, जैसे प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज हैं। कईयों को अगर गुरु मिल भी जाते हैं, लेकिन पाप कर्म उनके इतने प्रबल होते हैं कि वो उनकी बुद्धि को मलिन कर देते हैं। मोह, वैसे अर्जुन तो जो भी बातें कर रहे थे भगवान से, वो आम आदमी के मनों में ऐसी बातें आती थी, जो प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण भगवान को किए भगवद गीता में, और भगवान ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। और गीता माता हम सब के लिए प्रकट हुई, हम सबको नरकों में गिरने से बचाने के लिए। तो हम लोगों को बहुत सारी बातें सीखनी हैं कृष्ण भगवान की कृपा से, अर्जुन की कृपा से, और विशेष करके प्रभुपाद जी की कृपा से। तो माता पिता तो मिले, जन्म हो गया, लेकिन ये जन्म तो कई बार हुआ हमारा, पता नहीं किस किस योनि में हम गए, क्या क्या कर्म हमने किए, मरे जन्मे। पर अभी हम कृष्ण कृपा से मनुष्य के शरीर में आए हैं, मनुष्य के शरीर में आए हैं तो हमें भक्ति करनी है। यहाँ पर और कुछ नहीं करना, बाकी सब समय का नाश है। जैसे कहा है ना, है व्यर्थ ही ममता किया ना अंत को संग ला करे।
संसार की ममता व्यर्थ की है, जो कि अंत में कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखो इस बात को अपने अंदर धारण करो, हमारा मलिन मन नहीं धारण करने देता, और मलिन मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां। तो हमें ये पहले ध्यान रखना कि मेरा मन मलिन है, ये शुद्ध नहीं है, और जो भी इसमें भ्रांति है वो भी बेकार है। तो हम लोगों को मनुष्य जन्म मिला है माता पिता से, दूसरा जन्म मिलेगा गुरु कृपा से। जब वैष्णव, पहले अनादि जो धर्म है वो वैष्णव धर्म है विष्णु भगवान के द्वारा, ये भी कई बार आपको बताया हमने। तो इस धर्म के जब हम अंतर्गत आते हैं और फिर इसका पालन करते हैं, अभी देखो ये नहीं हमें सोचना चाहिए, मलिन मन हमको ऐसा सोचने के लिए बाध्य कर देता है कि अगर मैंने दीक्षा ले ली मेरा कल्याण हो गया। नहीं, दीक्षा लेना ऐसे है जैसे बच्चे को स्कूल में डाला, स्कूल में डालने से बच्चा ये थोड़ा कि वो फिर पास ही होता जाए, उसको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार दीक्षा लेकर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मन को मारना पड़ेगा और आध्यात्मिक पथ में प्रगति करनी पड़ेगी। मृत्यु पथ में प्रगति हो रही है, इसको याद रखो। जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं परमपिता? क्योंकि वो चाहते हैं हम सुखी रहें, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, पापी हैं कि हम दुखी रहना चाहते हैं। अभी देखो ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ मन में आ जाती हैं कि हम अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। अभी देखो अर्जुन के मन में एक भ्रांति क्या आई, मैं परिवार से कैसे लड़ूं, गांडीव धनुष नीचे रख दिया, मैं नहीं लड़ सकता, आज खड़े कर दिए। तो भगवान ने सारी गीता का गायन किया, अर्जुन के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन के मन में भ्रांति, जैसे एक भ्रांति आई कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं जिनसे शस्त्र विद्या सीखी है, और भीष्म पितामह की गोद में मैं खेला हूँ, ये भी दूसरे पक्ष में लड़ रहे हैं, इनसे कैसे लड़ूं मैं? अर्जुन ने प्रश्न किया। ये नहीं कि अर्जुन का प्रश्न सही था, भ्रांति थी ये। भगवान ने कहा कि जब तेरी पत्नी द्रौपदी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, उसको नग्न कर रहे थे बड़ी सभा में, ये वहीं बैठे थे, कर्तव्य विमुखता, इन्होंने कुछ नहीं कहा। देखो कर्तव्य विमुख नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कई मूर्खों में भ्रांतियाँ आ जाती हैं। अभी जैसे मैंने कई देखे, अपने परिवार में भी देखे, बाहर भी देखे। एक हमारे परिवार में हमारे शरीर से भाई थे, चले गए, शरीर छोड़ दिया, हम भी बच्चे थे, उसके भी बच्चे थे, हम बड़े थे, हम उनके चाचा लगते उसके बच्चों के, लेकिन बच्चे उदंड शरारती, कभी हम में झगड़ा हो और बच्चे भी ऐसे मूर्ख, जाके रोने लग पड़ना बाप के पास, माँ के पास, माँ भी मूर्ख, बाप भी मूर्ख, और बजाय के बच्चों को समझाना, भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हारे चाचा ने ऐसे कहा, वो नहीं हमें डांटना, क्यों हमारे बच्चों को, सब बर्बाद हो गए, शायद बेकार हो गए, एक भी काम का नहीं रहा, ये भ्रांति। देखो और भी भ्रांति की, ऐसा कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, दिया जलता तो नीचे यहाँ अंधेरा होता है। कई भक्ति में आ गए, अगर उनका कोई बच्चा या बच्ची उल्टा काम करते हैं, मैं मार नहीं सकता, मैं बड़ी महान हूँ, मार नहीं सकती, ये भ्रांति तेरे को नरक में ले जाएगी। यह विचार
भगवान ने कहा अर्जुन को मार, तेरे गुरु हैं, गलत है ये, पितामह भी गलत हैं, गलत आदमियों को साथ दिया उन्होंने, पितामह को भी मरना पड़ा, द्रोणाचार्य को भी मरना पड़ा, लेकिन मूर्ख लोग मैं मार नहीं सकती, मरेगी नरक में जाएगी और क्या है तुम्हें, वहाँ सड़ना पड़ेगा। जब गलत बात का साथ दिया, देखो गीता का ये सार है, गीता का सार है जुल्म करना पाप है, जुल्म को सहना महापाप है, जो सहन करते हो महापाप करता है। ऐसे ही मूर्ख देखे मैंने, परिवार में देखे, बाहर में देखे, मैं मार नहीं सके, मतलब तू बड़ी महान है, तेरे नरक भी प्रतीक्षा कर रहा है तेरी ऐसी घटनाओं से। बच्चे तो समझते नहीं, बच्चे तो मूर्ख हैं, मूर्ख बच्चों का जो साथ देने वाले माँ बाप हैं वो भी मूर्ख हैं, समय बीतने पर उनको पछताना पड़ता है। इसलिए असली माता पिता हमारे गुरु हैं, गुरु पिता हैं और माता गायत्री हैं, आध्यात्मिक, इसको दूसरा जन्म कहा है। एक श्लोक में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं, शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, जीव भटक रहे हैं, कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं। खाली फैशन के लिए गुरु धारण किया तो नरक मिलेगा, हाँ गुरु धारण किया है, गुरु आज्ञा में रहना है, लेकिन फिर भी कर्म ऐसे हैं कि बुद्धि काम नहीं कर रही, स्वार्थ प्रेरित बुद्धि है, स्वार्थ है, स्वार्थ सिद्धि हो रही है, कब तक होगी ये स्वार्थ सिद्धि, आखिर इसका अंत होगा। इसलिए हमारी असली माता गायत्री माता है, बोलो गायत्री माता की, और असली पिता सद्गुरुदेव हैं, प्रभुपाद हैं, बोलो सद्गुरुदेव महाराज की। तो अगर अब जैसे हमें गुरु महाराज से डांट पड़ती थी, उनकी कृपा से हम ये समझ पाए थे कि बड़े महान वैष्णव हैं, कभी हम उनके आगे बोले नहीं। एक बार वो अच्छे भाव में थे, एक मनोभाव उनका अच्छा था, तो हमने पूछा गुरु महाराज जब आप हम पर गुस्सा करते हो तो हमें क्या करना चाहिए, कहते तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों, कहते देखो दुनिया में इतने लोग हैं, सारे बुरे कर्म कर रहे हैं, सब नरकों में जाएंगे, गुरु जिस शिष्य को डांट रहा है इस खर्चे उस पर कृष्ण की कृपा हो रही है। लेकिन नहीं आती बातें समझ, संत समझाते हैं, संत समझाई जांदे सचियां सुनाई जांदे, मनो पामे ना मनो फर्ज निभाई जांदे, मुक जाने जिंदड़ी रे सा, बड़े सुंदर शब्द पंजाबी में कहे हैं, संत समझाते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं, मानो या ना मानो ये हमारे पर है, जीवन के श्वास खत्म हो रहे हैं, मृत्यु द्वार पर एक दिन आ जाएगी, अगर प्राणी हे जीवात्मा तू कृष्ण के द्वार पर अगर नहीं आई तो फिर यम का द्वार तेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, तूने हर प्रकार से प्रयास करना है कृष्ण के द्वार पर आने। तेरे मन में जो तेरी मलिनता के कारण, तेरे पापों के कारण, तेरे विषयों को सेवन करने के कारण जो मन में भ्रांतियाँ हैं, ये भ्रांतियाँ तुम्हें नरक में ले जाएंगे। अर्जुन में भी देखो प्रभुपाद ने बताया, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है। कोई अगर मूर्ख माता पिता ये कहता है नहीं बच्चे को मारता नहीं, बच्चा चाहे बदमाशी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन मैं मारता नहीं, तो महान नहीं है, तो नरक ही है। संतों की कृपा से तुम्हारे तक ये बातें पहुंच रही हैं, तुम आत्मा का नहीं समझेगी तो समय बीतने पर सिवाय पछताने के तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आओ ये जो आज एकादशी का कीर्तन है,